केंद्र की बीजेपी सरकार पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दें, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कांग्रेस ने ज्ञापन दिया है। वहीं मंत्री प्रताप सिंह, ललित तूनवाल और शशिकांत सैंथिल मौके पर पहुंचे हुए हैं। बीजेपी की केंद्र सरकार की उपलब्धियों के लिए यात्रा निकाली जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर और ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है क्योंकि बीजेपी पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। और सच बेधड़क आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, तस्वीर देखिए। तो केंद्र की बीजेपी सरकार पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इसको लेकर शिकायत की है। देखिए, मौके पर मंत्री प्रताप सिंह, ललित और शशिकांत सैंथिल सचिवालय पहुंचे हुए। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं सचिवालय की, जहां पर देखिए केंद्र की बीजेपी सरकार पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। इसी को लेकर कांग्रेस के जो मंत्री हैं वह सचिवालय पहुंचे हुए हैं और बीजेपी की शिकायत यहां पर की जा रही है। तो सच बेधड़क आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। सबसे पहले आप सच बेधड़क पर ये तस्वीरें देख रहे हैं। लोकेश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। लोकेश, देखिए चुनाव नजदीक है, लेकिन जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने भी कांग्रेस पर आरोप लगाया था आचार संहिता को लेकर, अब कांग्रेस पार्टी भी आरोप लगा रही है बीजेपी केंद्र सरकार पर। देखिए बिल्कुल, कांग्रेस अब भाजपा और केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि आचार संहिता का उल्लंघन यहाँ किया जा रहा है। आचार संहिता के उल्लंघन मामले को लेकर ही आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता, उनको ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन देने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, आदि वॉर रूम के इंचार्ज सैंथिल कोऑर्डिनेटर लोकेश शर्मा, आशीष चौधरी सहित जो पीसीसी के महासचिव ललित तूनवाल है वो भी यहाँ पहुंचे हैं। साथ ही विधायक रफीक खान भी ज्ञापन देने यहाँ पहुंचे और पूरी जो शिकायत है वो उन्होंने यहाँ दी है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो अब आगामी दिनों में जो विकसित भारत जो संकल्प यात्रा जो निकाली जाएगी, उस यात्रा नहीं निकाली जाएगी, उस यात्रा के खिलाफ यहाँ शिकायत देने के लिए पहुंचे और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस मामले में कार्रवाई करने की जो मांग है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई। क्योंकि चुनाव के अंदर जिस तरह से ये विकसित भारत जो यात्रा अगर भाजपा की ओर से, अब केंद्र सरकार की ओर से जो निकाली जाती है, तो ये एक आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है और उसी आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए ही आज तमाम जो नियम और कानून बताते हुए तमाम बीसीसी कार्यकर्ताओं ने और साथ साथ जो मंत्री और विधायकों ने यहाँ ज्ञापन दिया है और मांग रखी है कि जो आचार संहिता का जो उल्लंघन किया जा रहा है वो उल्लंघन नहीं हो और जो भाजपा की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से जो यात्रा निकाली जाएगी उस यात्रा पर रोक लगाई जाए और किसी भी तरह की जो प्रचार सामग्री है वो राजस्थान या फिर चुनावी राज्यों में प्रसारित नहीं हो, इसी मांग को लेकर आज ये ज्ञापन दिया गया है जो महत्वपूर्ण ज्ञापन है। और जिस तरह से आगामी जिस जो निर्वाचन विभाग की ओर से राजस्थान में जो कार्रवाई की जा रही है तो निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग है वो भी यहाँ रखी गई है। जी बिल्कुल लोकेश, अभी देखिए तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, क्या अब ये ज्ञापन, देखिए जिस तरीके से सचिवालय में पहुंचे हुए हैं मंत्रीगण, उन्होंने ज्ञापन भी दे दिया है, क्या अभी फिलहाल क्या अपडेट, क्या तस्वीरें हैं, क्या अभी जो मंत्री वहां पर मौजूद है, कांग्रेस के नेता भी मौजूद है सचिवालय में? देखिए ज्ञापन देने के लिए मंत्री विधायक यहाँ पहुंचे थे और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, पीसीसी के तमाम जो पदाधिकारी है वो सचिवालय से निकल चुके हैं और अब जो विधायक रफीक खान है वो भी कुछ ही देर में सचिवालय से निकलेंगे। लेकिन जो ज्ञापन देने के लिए आज ये आए और एक महत्वपूर्ण जो शिकायत है कि आचार संहिता का उल्लंघन होना, साथ ही चुनावी समय में इस तरह की जो यात्रा निकालना, ये चुनावी प्रचार भी माना जाता है और इसी प्रचार को यानी कि केंद्र सरकार की जो एक योजना के तहत जिस तरह से लगातार पहले भी चाहे गुजरात के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि भाजपा सरकार द्वारा वहाँ जो चुनाव सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, प्रचार सामग्री का उपयोग किया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को यहाँ पर लाया जा रहा है, तो इस तरह चुनावी समय के अंदर आचार संहिता लागू होने के बाद में इस तरह के प्रचार सामग्री का उपयोग करना या फिर अभियान निकालना, यात्रा निकालना केंद्र सरकार या भाजपा द्वारा, उसी को के खिलाफ और उसी के विरोध में उन नियमों का पालन करने की मांग को लेकर आज कांग्रेस पार्टी की ओर से ज्ञापन दिया गया। ठीक है लोकेश, कोई रिएक्शन सामने आया बीजेपी का इस पूरे मामले को लेकर? देखिए जो बात करें तो अभी शिकायत यहाँ दर्ज करवाई गई है। शिकायत दर्ज होने के बाद अब भारत निर्वाचन आयोग को राजस्थान निर्वाचन विभाग को शिकायत भेजेगा।
शिकायत पत्र पर किस तरह की जो प्रक्रिया प्रतिक्रिया होती है, साथ साथ जो अभियान बीजेपी की ओर से निकाला जाएगा, केंद्र सरकार की ओर से जो निकाला जाए इस अभियान के खिलाफ या उस अभियान को रोकने की मांग को लेकर ये भारत जो पीसीसी की ओर से आज शिकायत दर्ज करवाई गई है। हालांकि बीजेपी की ओर से अभी तक किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं ली गई, लेकिन इस अभियान और इस यात्रा को लेकर जो विकसित भारत जो संकल्प यात्रा है उसको लेकर लगातार जो बयान दिए जा रहे हैं, इस यात्रा को सफल बनाने के लिए बयान दिए जा रहे हैं, तो इस यात्रा को रोकने के लिए पहले से ही कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से ठीक है। लोकेश देखिए, कांग्रेस पार्टी कोशिश ये थी कि जिस तरीके से जो जनसभाएं हो रही है बीजेपी को उसको रोका जाए, कंट्रोल में किया जाए। लेकिन लोकेश जिस तरीके से कहा यह भी गया, खबर ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी की 10 जो रैलियां हैं जनसभाएं भी यहां पर राजस्थान में हो सकती हैं, अगर मानो सचिवालय एक्शन लेता है तो क्या इन रैलियों पर रोक लग पाएगी? देखिए बिल्कुल, बात करें तो जो यात्रा है उस यात्रा पर रोक रहेगी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की जो राजस्थान में अगर चुनावी सभाएं होती है तो उन पर किसी तरह की रोक नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक तरह से चुनावी सभाएं होगी, पार्टी की सभाएं होगी और उनकी अनुमति लेने के बाद ही सभाएं की जा सकती है। तो इस तरह से जिला निर्वाचन विभाग और साथ साथ जो राजस्थान निर्वाचन विभाग की ओर से पहले अनुमति लेने के बाद ही सभा और अन्य जो पार्टी की ओर से जो प्रचार सामग्री उपयोग की जाती है, फिर जो चुनाव प्रचार अभियान चलाया जाता है उसकी अनुमति ली जाएगी। लेकिन इस तरह से अगर केंद्र सरकार द्वारा या फिर भाजपा के द्वारा जो एक प्रदेश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो एक साथ जो जो प्रारंभ किए जाएंगे या फिर जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा निकाली जाएगी उस यात्रा को रोकने की मांग को लेकर ही ये जो अभियान जो ज्ञापन है वो दिया गया है। तो चुनावी राज्यों के अंदर इस तरह का जो यात्रा है वो नहीं निकाले और इसी नहीं निकालने की मांग को लेकर ही आज प्रदेश कांग्रेस की ओर से ज्ञापन दिया गया है। मांग रखी गई है कि भारत निर्वाचन आयोग के अंदर भी ध्यान में लाया जाए कि इस तरह की जो यात्रा है चुनावी राज्यों में नहीं हो, चुनावी राज्यों ने पूरे देश भर में इस यात्रा को रोकने की मांग को लेकर ही आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से ज्ञापन दिया गया है। चलिए लोकेश, आप मेरे साथ बने रहेगा, मेरे सवाल आपसे और भी रहेंगे। देखिए शिकायत ये है कि आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कोई कंट्रोल नहीं है, बेवजह के फायदे उठाने की कोशिश है, ये किसी सूरत में टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इन्होंने विकसित भारत यात्रा के नाम पे यात्रा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, विकास तो खत्म हो गया, विकास की बात ये कर रहे थे, गुजरात में कहते हैं विकास तो डांडो हो गया, विकास ढूंढे ही नहीं मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट जबरदस्त फैल रहा है। अभी जब अमृतकाल का बजट दिया तो एक रुपया रोजगार डेवलपमेंट के लिए एक रुपया सैंक्शन नहीं किया गया, किसानों का बजट कम कर दिया गया, खाद सब्सिडी बंद कर दी गई, हर चीज में कटौती, और यहाँ तक कि इनकी खुद की योजना उज्ज्वला योजना उसमें भी कोई सब्सिडी अनाउंस नहीं की गई। अब एक जहाँ जहाँ जिन राज्यों में इलेक्शन है वहाँ यात्रा निकाल करके चुनावी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए हमने अपनी शिकायत दर्ज करा दी है। कांग्रेस पार्टी मैदान में है, किसी सूरत में टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और लोकेश में सहयोग मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लोकेश, हमने बयान सुना कांग्रेस का, क्योंकि जाहिर है कि वो हर राज्य का जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, मिजोरम हो या राजस्थान ही क्यों ना हो, क्योंकि मध्य प्रदेश कुछ तस्वीर नजर आई थी जहां पर एक जो कह सकते हैं जो आटे की बोरियाँ होती हैं उसमें पीएम मोदी का चेहरा बना हुआ था, बीजेपी लिखा हुआ था, इस पर भी देखिए कई आरोप लगे हैं। अब जाहिर तस्वीर हम देख रहे हैं कि ज्ञापन सौंपा जा चुका है, शिकायत दर्ज करवा दी है कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से बीजेपी के खिलाफ कि उन्होंने उल्लंघन किया है आचार संहिता का। अब क्या जिस तरीके से जो बीजेपी भी आरोप लगा रही थी कि प्रियंका गांधी ने उल्लंघन किया है, वो भी उल्लंघन कर रही है, तो क्या बीजेपी भी अब कोई शिकायत दर्ज करवा सकती है कांग्रेस के खिलाफ? देखिए बात करें तो बीजेपी की ओर से जो जो यात्रा निकाली जाएगी, केंद्र सरकार द्वारा जो यात्रा निकाली जाएगी इसका लगातार प्रचार किया जा रहा है कि जो योजनाओं को लेकर जो विभाग और केंद्र सरकार द्वारा जो यात्रा निकाली जाएगी वो एक बेहद यात्रा होगी, और मुख्य रूप से जो इसका जो नाम दिया गया है वो है विकसित भारत संकल्प जो संकल्प यात्रा, यानी कि जो जो देश है वो विकसित कैसे हो और उसी को लेकर यात्रा निकाली, क्योंकि तमाम जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार द्वारा निकाली गई, जिस तरह से राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आचार संहिता से पहले जो मिशन 2030 लेकर आए वो भी कहीं ना कहीं जो आगामी रणनीतियों को लेकर होगा, जो चुनावी प्रचार को लेकर भी उसको माना जा सकता है, साथ साथ जो चुनावी जो वादे हैं
उसको लेकर भी ये माना जा रहा था। तो उसी तरह से केंद्र सरकार द्वारा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो विजन 2030 है उसी के तहत जो यात्रा जो निकाली जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा, तो वो भी कहीं ना कहीं विकसित देश इनके आगामी समय में देश किस तरह से विकसित हो सके और क्या विजन हो सकता है, इन सबको लेकर ये यात्रा का जो मुख्य मैसेज है वो देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा भाजपा द्वारा जो यात्रा निकालने का जो प्लान है वो बनाया था। तो इसी तरह से चुनावी समय में किसी तरह की जो प्रथा प्रसार नहीं हो, जिसे आपने अभी बताया कि छत्तीसगढ़ के अंदर आटे की जो बोरियां हैं उनमें मोदी का चेहरा और बीजेपी लिखा हुआ मिला है, तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो चुनावी समय में जो अब तो देखने वाली बात ये भी है लोकेश, चुनाव आयोग आखिरकार इस मामले को लेकर क्या कुछ एक्शन लेता है, क्या इस यात्रा पर रोक लगेगी या ये यात्रा बरकरार रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लोकेश अधिक जानकारी देने के लिए। मैं अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, जो झूठ फरेब और धोखे की राजनीति करते हैं ऐसे बीजेपी के लोगों को सुन लेना चाहिए। आपको इस देश के संविधान में कोड ऑफ कंडक्ट को मानना पड़ेगा, ये घर की दुकान नहीं है। इलेक्शन सबके लिए, इलेक्शन के रूल्स रेगुलेशन बीजेपी कांग्रेस सबके लिए बराबर है। बीजेपी जिस स्तर पर जाके पॉलिटिक्स कर रही है हार से डर कर, उससे बड़ा पाप नहीं कर सकते। विकसित भारत यात्रा, तो विकसित भारत भाई चुनाव के बाद कर लेना, आप कैसे आ जाओगे इलेक्शन, जहां पे इलेक्शन है जिन स्टेट में, आप वहां पे आकर अपना प्रचार करना चाहते हैं। हम कोड ऑफ कंडक्ट मान रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन तो उनको भी मानने पड़ेंगे। हमने चुनाव आयोग से कहा, चुनाव आयोग ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कह देंगे यहाँ पे रूल्स का वॉयलेशन बीजेपी को नहीं करने देंगे। बीजेपी कह रहा है घूम रहे हैं सब जगह बिना परमिशन के, क्या कर रहा है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। पूरे देश से बीजेपी के पास दाम बहुत ज्यादा है, पैसे इकट्ठे हैं, पावर है, फीसू बीजेपी का है, तो बीजेपी वाला रथ लेर घूम रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर्स की ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, वो एक्शन ले, वो एक्शन नहीं हो रहा। इसीलिए हमने शिकायत की है, क्योंकि अब विकसित भारत यात्रा लेकर आ रहे हैं, बीजेपी कुछ भी कर ले। कांग्रेस पार्टी सजग है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी सब लगा हुआ है, पूरी पीसीसी लगी हुई है। मिस्टर सेंथिल जो वॉर रूम के इंचार्ज है वो, और जो जॉइंट इंचार्ज है मिस्टर ललित तुनवा, ये हमारे प्रवक्ता आरसी चौधरी साहब, लोकेश जी शर्मा साहब जो गवर्नमेंट के तरफ से सीएम के यहाँ पूरा काम देखते हैं, सब ने इकट्ठे होकर अपनी बात कही है। और कांग्रेस पार्टी का एक एक आदमी वॉर रूम में बैठ कर मीडिया के जरिए और बाकी कहीं भी चुनाव आयोग से बातचीत के जरिए कोई भी ऐसा काम बीजेपी को नहीं करने देगा जो बीजेपी चाहती है। इलेक्शन के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करे, मनमानी करे, मनमानी नहीं करे। देखिए भारतीय जनता पार्टी है, वो चुनाव जिन राज्यों में हो रहा है उन राज्यों के अंदर भी, मतलब एक विकसित भारत यात्रा जो नाम से यात्रा निकल रही है चुनाव के समय, और चुनाव आयोग के जो नियमावली है उसके धज्जियाँ उड़ा रही है। हमने इसका विरोध दर्ज कराते हुए आज चुनाव कमीशन को ये लेटर दिया है और विरोध दर्ज कराया कि इस तरह की यात्रा जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है उनमें नहीं।